इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आज के दिन की सबसे बड़ी खबर क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन कश्मीर। जी हां, इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के पिछले 45 मिनट से मुलाकात चल रही है और मोदी शाह की इस मीटिंग पर इस वक्त पीएम आवास पर ही ये बैठक चल रही है। अमित शाह भी आज की सर्वदलीय बैठक में शामिल होंगे और उससे पहले पीएम और होम मिनिस्टर की ये मीटिंग अहम मानी जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीते 45 मिनट से ये मुलाकात लगातार चल रही है और जैसा कि हमारे संवाददाता ये जानकारी दे रहे थे कि 3 बजे होने वाली कश्मीर पर ऑल पार्टी मीटिंग से पहले एक प्रिपरेटरी मीटिंग के तौर पर इसे देखा जा रहा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच चल रही है। और कश्मीर पर सबसे बड़ी बैठक को लेकर सरकार के लेवल पर ही हलचल तेज नहीं है, बल्कि सर्वदलीय बैठक के पहले बीजेपी और कांग्रेस में भी पूरी हलचल है। पीएम की बैठक से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जम्मू कश्मीर के बीजेपी नेताओं से मुलाकात की है। निर्मल सिंह, रविंद्र रैना, कविंद्र गुप्ता ने जेपी नड्डा से बीजेपी मुख्यालय में मुलाकात की, तो वहीं दूसरी तरफ गुलाम नबी आजाद के घर पर भी कांग्रेस नेताओं की चल रही मीटिंग अब खत्म हो चुकी है। पूर्व डिप्टी सीएम ताराचंद और गुलाम अहमद मीर मीटिंग में शामिल थे। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला भी थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचने वाले हैं। तो यानी आप ये देखिए, कश्मीर से लेकर दिल्ली तक हलचल बहुत तेज है। हर किसी के मन में यही सवाल, आखिर आज क्या बड़ा होने वाला है? हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर लगातार सुबह से आज की इस बड़ी बैठक से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। देवेंद्र, मोदी और शाह के बीच में ये जो मीटिंग चल रही है, 45 मिनट का वक्त बीत चुका है, क्या क्या इस मीटिंग में बातचीत हो रही होंगी, आपके पास क्या क्या सोर्सेस डिटेल्स दे रहे हैं? निश्चित तौर पर प्रिपरेटरी मीटिंग है कि किस प्रकार से लाइन को आगे बढ़ाना है और जो बैठक होगी वो किस ऑर्डर में होगी, जो नेताओं द्वारा जो सवाल खड़े किए जाएंगे उन सवालों का जवाब किस प्रकार से दिया जाएगा, इन सारी चीज़ों को लेके पिछले 24 घंटे में कहें तो अब ये दूसरी बैठक है। कल भी ये बैठक हुई थी जिसमें गृहमंत्री अमित शाह और पीएम मोदी मौजूद थे, कल की बैठक में एलजी भी मौजूद थे और आज ये दूसरी बैठक है जिसमें गृहमंत्री अमित शाह और पीएम मोदी के बीच ये बैठक चल रही है। और एक तरह से आप कह सकते हैं कि फाइनल एजेंडा केंद्र सरकार का अपना तय होगा। और आप देखें तो ये फैसला केंद्र सरकार के लिए भी मीनाक्षी बहुत आसान नहीं था, रादर इसको ये कहें कि बहुत मुश्किल फैसला था कि सीधे सीधे प्रधानमंत्री के साथ उन दलों को बैठक के लिए बुलाया जा रहा है। ऐसा नहीं था कि वो श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से मिल रहे हैं या फिर दिल्ली आके पहले गृहमंत्री से मिल रहे हैं, बल्कि सीधे देश के प्रधानमंत्री के साथ अगर मुलाकात के लिए उन दलों को आमंत्रित करना था तो केंद्र सरकार के स्तर पर भी आप कह सकती हैं कि एक बहुत बड़ा फैसला था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे दल, वैली के जो दल हैं, वो यहाँ पर आकर कुछ भी बात कह सकते हैं और पब्लिक पोस्टिंग भी उनका कुछ और हो सकता है, बैठक से निकलने के बाद वो बहुत बयानबाजी कर सकते हैं। वो वैसे दल हैं जो कि ऑलरेडी बहुत हार्ड लाइन पोजिशन ले चुके हैं, वहाँ के सेंटिमेंट को भड़काने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से कार्रवाई हुई, घोटालों को लेकर नाम आया, एक तरह से डिस्क्रेडिट करने की कोशिश हुई उन नेताओं को। तो इन सारी पृष्ठभूमि के आधार पर आप देखें कि उन नेताओं को फिर से प्रधानमंत्री के साथ बैठक के लिए बुलाया जाना एक बहुत बोल्ड फैसला था और उस बोल्ड फैसले को फिर आगे कैसे लेकर जाना है, जाहिर तौर पर इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा मंथन चल रहा होगा कि एक बार जब 3 बजे बैठक शुरू होगी तो वो नेता जिन मसलों को उठाएंगे। केंद्र सरकार तो ये चाहेगी कि जो भी बातचीत हो वो डेवलपमेंट के आधार पर हो, डेवलपमेंट के फिगर के आधार पर हो, जबकि वो दल ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे। वो चाहेंगे कि सिर्फ सेंटिमेंटल इश्यूज के आधार पर ही बातचीत को आगे बढ़ाया जाए। वहाँ पर राजनीति वहाँ के मुद्दों से जुड़ी हुई उन्हें सुहाती है। देवेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। विजयलक्ष्मी, एक मीटिंग कांग्रेस खेमे में भी चल रही है, इस मीटिंग के बाद आप क्या समझ पाई हैं? आज कांग्रेस किस एजेंडे के साथ इस मीटिंग में जाने वाली है, उनकी मंशा क्या है, क्या मंत्रणा हुई है? देखिए मीनाक्षी, इस वक्त हम गुलाम नबी आजाद साहब का जो रेजिडेंस है दिल्ली में 5 साउथ एवेन्यू, उसके बाहर खड़े हैं। थोड़ी देर पहले ही मीटिंग जो है खत्म हुई है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से 3 नेता आज की मीटिंग में शिरकत करेंगे, जिसमें गुलाम अहमद मीर जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर के, इसके अलावा ताराचंद जो फॉर्मर डिप्टी सीएम हैं, और इसके अलावा गुलाम नबी आजाद साहब जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर के। कांग्रेस पार्टी की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि कोई एजेंडा सरकार की तरफ से सर्कुलेट नहीं किया गया
गया है, इसलिए वो किसी तरह का कयास नहीं लगाएंगे कि क्या क्या डिस्कशन हो सकता है। लिहाजा कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी नहीं दिया गया है। बार बार यही कहा जा रहा है कि एक बार बैठक खत्म हो जाए उसके बाद ही कांग्रेस पार्टी कोई अपना रुख जो है इस पर साफ करेगी। बहरहाल मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, स्टेटहुड का जो इशू है वो एक बड़ा, लक्ष्मी एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, क्या स्थिति कांग्रेस की कुछ ऐसी हो गई है कि क्या खाएं और क्या उगलें? क्योंकि धारा 370 को लेकर, उसके डाइल्यूशन को लेकर जो देश में समर्थन है वो कांग्रेस अच्छे तरीके से जानती है, इसलिए उस पर चुप्पी साधे बैठी है, लेकिन स्टेटहुड के मुद्दे को लेकर आगे खड़ी है, यानी कि कहां चले और कहां ना चले, ये स्थिति उहापोह वाली कांग्रेस की बनी हुई है क्या? देखिए बिल्कुल, और ये स्थिति जो है ये रिफ्लेक्ट होता है जिस तरह के बयान हमने पिछले दिनों देखे। गुलाम दिग्विजय सिंह ने एक बयान दिया, इसके अलावा पी चिदम्बरम ने चंद दिनों पहले ही ट्वीट किया जिसमें उन्होंने स्टेटस को एंटे जो है पूरा कश्मीर जम्मू कश्मीर का वो उसमें डिमांड किया आपने उन ट्वीट्स पे, और उन्होंने कहा कि जो संविधान ने जो चीज़ें दी हैं उसको किसी भी पार्लियामेंट के एक्ट को ला करके अंडू नहीं किया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का रेजोल्यूशन जो 2019 में 370 के एब्रोगेशन के बाद पास हुआ था वो इससे अलहदा बात कहता है। वो 370 किस तरह से हटाई, किस तरह से जो है ब्रेजनली की गई, उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने तब केंद्र सरकार को जो है क्रिटिसाइज किया था। बहरहाल अभी कांग्रेस के तमाम जो नेता है, गुलाम अहमद मीर कह रहे हैं कि ये नेताओं की निजी राय हो सकती है, पी चिदम्बरम और दिग्विजय सिंह अपनी निजी राय रख सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड वही है जो कांग्रेस रेजोल्यूशन में 6 अगस्त 2019 को जब कांग्रेस पार्टी ने, विजय लक्ष्मी मैं जरा आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन मंजूर मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा जरा हमारे दर्शकों को समझाइए। आज घाटी की जो दो प्रमुख पार्टी हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, ये दोनों अपने कोर वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए इस मीटिंग में शामिल तो हो रहे हैं, लेकिन क्या आपको ऐसा अंदेशा नहीं लग रहा है, क्या ये अंदाजा आपको नहीं लग रहा है कि मीटिंग से बाहर निकलने के बाद एक बार फिर पाकिस्तान का राग अलापा जाएगा, एक बार फिर जम्मू कश्मीर के आवाम के नाम पर धारा 370 की बहाली की दलील दी जाएगी, एक बार फिर कहा जाएगा कि पूरा स्टेटहुड दीजिए और हमें पूरे तरीके से आजादी दीजिए? क्या ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में अपने वोट बैंक को सिक्योर करने की पॉलिटिक्स नहीं है? बिल्कुल अजय, इन पार्टियों के पास वोट बैंक हासिल करने के लिए और कोई मुद्दा बचा ही नहीं है, और यही कारण है कि जेल से निकलने के बाद महबूबा मुफ्ती ने सबसे पहले ये बयान दिया कि जब तक आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर में वापस रेस्टोर नहीं किया जाता है वो तब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे, भारतीय तिरंगा जो है उसको हाथ में नहीं उठाएंगे। तो ये लोगों की संपत्ति हासिल करने के लिए जो है महबूबा मुफ्ती के इस तरह के बयान जो है पिछले कुछ महीनों से लगातार आ रहे हैं, और जो पीएचडी का बनना था वो भी यही एक कारण था कि जो डीडीसी चुनाव जम्मू कश्मीर में हुए, पीएचडी एक बड़ी गठन बनकर जो है सामने आई, उन्होंने मिलकर चुनाव लड़े, इसका भी यही मुद्दा था कि अब आगे की जो रणनीति होगी उसको कैसे लड़ा जाएगा, कैसे लोगों की संपत्ति जो है वो हासिल की जाएगी। तो यही तस्वीर जो है अब धीरे धीरे जो है पूरी तरह से साफ होती दिख रही है, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का जो मकसद है, हाँ ज़रूर ये पार्टियां जो है अपना पक्ष जरूर रखेंगे, आर्टिकल 370-35 जैसी मुद्दों को जो है डिस्कस जरूर करेंगे, लेकिन ये बात तो साफ है और लोग भी ये समझते हैं कि आर्टिकल 370 और 35 को दोबारा बहाल करना अब संभव नहीं है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि अब इससे शायद लोग भी अब ये समझ रहे हैं कि विकास महत्वपूर्ण है, शिक्षा महत्वपूर्ण है, हेल्थ सेक्टर, स्वास्थ्य सुविधाएं उन तक पहुंचे, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि केवल 370 और 35A तक अपनी राजनीति को, जैसे महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला की बात की जाए, इस तरीके नेता अपने आप को सिमटाए हुए हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ। पीएम की मीटिंग से पहले जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर ने बड़ा बयान दिया है। मीर ने कहा कि राज्य के दर्जे से कम कोई बात नहीं होगी। जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर से बात की इंडिया टीवी संवाददाता विजय लक्ष्मी ने। पीसीसी अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर के, मीर साहब आप जा रहे हैं, आज मीटिंग का एजेंडा क्या होगा, क्या उम्मीद करेंगे? हमने नहीं तय करना एजेंडा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने तय करना है उन्होंने क्या एजेंडा रखा होगा। हमारा इतना फैसला है, कांग्रेस पार्टी ने ओवरऑल व्यू लेने के बाद में जम्मू कश्मीर के लोगों की रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, उनके जज्बात की यहाँ पर नुमाइंदगी करने के लिए कांग्रेस पार्टी की 3 मेंबरी डेलीगेशन प्राइम मिनिस्टर की ऑल पार्टी मीटिंग में आ जाएगी। क्या रेजोल्यूशन ऑफ स्टेटहुड एक बड़ा मसला है जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी, जो लोगों के जज्बात है वो तो उससे जुड़े हुए हैं,
उसको तो आप अलग कर ही नहीं सकते, लेस देन स्टेट तो कोई बात हो ही नहीं सकती। ये बात आप रखेंगे मुखर तरीके से अंदर मीटिंग में? कुदरती बात है, जब एजेंडा में भी होगा और हम तो करेंगे। हम कह रहे हैं स्टेटस को एंटे होना चाहिए, दो दिन पहले उन्होंने ट्वीट किया। लिबर्टी पर है, वो कुछ भी कह सकते हैं, मगर कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जो गाइडलाइंस है, जो फैसले हैं, जो रेजोल्यूशन है, वी विल ट्राई टू रिप्रेजेंट दैट व्यू। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम अहमद मीर, कांग्रेस पार्टी के पीसीसी अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर के। साफ तौर पर कह रहे हैं कि रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड जो है एक बड़ा मसला होगा, जिसकी बात कांग्रेस पार्टी आज की बैठक में करेगी। कैंपस में राजीव वर्मा के साथ विजयलक्ष्मी, इंडिया टीवी, दिल्ली। और साथ ही ये भी समझ में आ गया कि जज्बाती मसलों को अलहदा नहीं रखा जा सकता, और आज की जब ये बैठक होगी तो उसमें कांग्रेस का रुख, कांग्रेस का स्टैंड क्या होगा, ये मीर साहब की बातों से काफी कुछ हद तक समझा जा सकता है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना भी आज मीटिंग में शामिल होंगे, और बैठक से पहले रविंद्र रैना ने कहा कि धारा 370 पर जम्मू कश्मीर का इतिहास है। हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे ने उनसे बात की। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना हमारे साथ हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हैं जम्मू कश्मीर के, वो कह रहे हैं कि हम 370 की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर को फिर से पूरा स्टेटहुड देने की बात करेंगे। चलिए, आप इस बैठक में चूंकि बिना किसी फिक्स्ड एजेंडे के इस बैठक को बुलाया गया है, तो जब ये अपना अपना विषय अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के लोग रखेंगे प्रधानमंत्री जी के सामने विषय रखने में, अगर हम बीजेपी की बात करें, बीजेपी की तरफ से क्या क्या मुद्दे रखे जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही राष्ट्रवादी शक्तियों की एक बुलंद आवाज़ रही है, और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 70 वर्षों में हज़ारों लाखों कार्यकर्ता हमारे जो है वो उन्होंने बलिदान दिया है तिरंगे झंडे के लिए, अपने देश के लिए, भारत माता के लिए। हमेशा जम्मू और कश्मीर के जो राष्ट्रवादी लोग हैं, देशभक्त लोग हैं, उनकी मजबूत और बुलंद आवाज़ भारतीय जनता पार्टी है। वो सारे विषय जो जम्मू कश्मीर के आम जनमानस के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे विषयों पर हम भी अपना पक्ष रखेंगे। 370 पे पुनर्विचार की कोई गुंजाइश है? देखिए, धारा 370 अब एक इतिहास है, इतिहास बन चुकी है। तो स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, उसे पुनर्विचार किया जाएगा या समय का इंतजार किया जाएगा? देखिए, चूंकि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है, उस बैठक से पहले इस प्रकार के बहुत सारे मुद्दों पर बात करना मेरे को लगता है कि शायद उस बैठक की सेंटिटी के विरुद्ध हुआ। लेकिन महबूबा जी तो कह रहे हैं पाकिस्तान से ही बात होना चाहिए, बैठक के पहले उनको पाकिस्तान की याद आ रही है। देखिए, बंदूक और बातचीत कभी एक साथ नहीं चल सकती। भारत ने तो हमेशा बातचीत की पहल की है, पक्ष रखा है, भारत हमेशा बातचीत का ही पक्षधर रहा है। हमारे सभी दुनिया के देशों के साथ अच्छे संबंध हैं, चूँकि पाकिस्तान भारत के विरुद्ध एक छद्म युद्ध चला रहा है, पाकिस्तान भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, आतंकवादी अलगाववादी जो है वो पाकिस्तान की शय पर, पाकिस्तान के इशारों पर वहाँ कश्मीर घाटी को लहूलुहान करते हैं। इसलिए पाकिस्तान के साथ बातचीत करने का कोई औचित्य नहीं है। तो आपने तमाम नेताओं की बात सुन ली। अब से तकरीबन 2 घंटे के बाद ये महत्वपूर्ण बैठक होगी। आज इस बैठक में जिन 14 नेताओं को बुलाया गया है, उसमें जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी भी शामिल रहेंगे। किस एजेंडे के साथ आज ये नेता मीटिंग में पहुंचने वाले हैं, किन मुद्दों पर बात होगी, इंडिया टीवी संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे ने बैठक से पहले अल्ताफ बुखारी से भी बात की। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी हमारे साथ हैं। सर, बड़ी उम्मीदें इस बैठक से, क्या इस बैठक का एजेंडा बताया गया आप लोगों की, क्या इस बैठक का एजेंडा रहने वाला है, सरकार की तरफ से क्या जानकारी दी गई है? देखिए, मुझे तो नहीं लगता है कोई एजेंडा फिक्स किया गया है। उम्मीदों का जहां तक ताल्लुक है, हाँ, बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म हिंद के पास जा रहे हो, तो जब कोई वज़ीर आज़म हिंद के पास जाए और अपनी मुल्क के वज़ीर आज़म के पास जाए, उस रियासत के नुमाइंदे जहाँ लोगों की तकलीफ़ें बहुत हैं, तो उम्मीदें तो काफ़ी होती हैं। आप क्या क्या उम्मीदें, क्या क्या मांग लेके जा रहे हैं? देखिए, हम तो समझते हैं कि बेसिक जो हमारे लोगों की उम्मीद है, हम कुछ भी कहें, 370 5 अगस्त 2019 को जिस तरीके से हटाया गया, शायद लोगों में अभी भी कहीं ना कहीं उसका दर्द है। स्टेटहुड की ज़रूर लोगों में दुख है कि जिस तरह से हमें डिग्रेड किया गया, मुझे उम्मीद है कि वो भी पूरी होगी। अब जब पूरी लीडरशिप, अब मैं बताऊँ आपको एक बड़ी अच्छी बात, यह है कि जब हम मिले तो हम ये जो कल लोग हमारे साथ, सब बाकी हमारे साथी हैं, तो इनकी रिहाई के लिए भी, ये भी तो उसी डायलॉग के एक प्रोसेस से निकले ना। और ये बार बार बात की जा रही है, कई पॉलिटिकल पार्टीज कह रही है कि हम
370 की बात करेंगे, विशेष अधिकार जो है उसको वापस देने की बात करेंगे, और दोनों जो यूटीज बनाई गई उसको फिर यूनिफिकेशन की हम बात। देखिए, मैं बताऊंगा, जब आप अपने घर के सबसे बड़े के पास आ रहे हैं, अपने मुल्क के सबसे बड़े नेता के पास आ रहे हैं, तो कहने को तो कुछ भी कोई भी कह सकता है। देखिए, हम मैं भी कहूँगा हमारे लोगों के दिलों में वो कहीं ना कहीं खलीज है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में है। हम कोई वज़ीर आज़म से दरख्वास्त करेंगे साहब, अगर खुद नहीं कर सकते तो सुप्रीम कोर्ट को कहिए जल्दी उसका फैसला करें, ताकि इमोशनली कोई इनको लोगों को फिर धोखा ना दे दे। बीच में पाकिस्तान कैसे आ जाता है? महबूबा मुफ्ती कह रहे हैं कि पाकिस्तान से भी बात करनी चाहिए। देखिए साहब, मुझे मालूम नहीं महबूबा जी क्या कहती हैं, वो उनका अपना नज़रिया है। हम तो ये जानते हैं जो हमें मिलना है जम्मू कश्मीर के लोगों को, भारत से मिलना है, दिल्ली से मिलना है, दिल्ली की हुकूमत से मिलना है। जम्मू कश्मीर पर सबसे बड़ी बैठक पर इंडिया टीवी की यह सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुकेंगे और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बताएंगे बैठक को लेकर आगे क्या नया अपडेट। इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम आवास पर जम्मू कश्मीर पर होने वाली सर्वदलीय बैठक के लिए फारूक अब्दुल्ला दिल्ली पहुंच गए हैं और पीएम के साथ इस मीटिंग में वो शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे पीएम आवास पर ही कश्मीर की सर्वदलीय बैठक होने वाली है और इसी को अटेंड करने के लिए फारूक अब्दुल्ला भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहां रुकना होगा। कश्मीर पर क्या बड़ा फैसला लेने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज इस बैठक के बाद और तस्वीर साफ होगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद इसी बड़ी खबर हम बने हुए हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।